हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एमोडेप 5 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एमोडेप टैबलेट का मुख्य रूप इस्तेमाल हाइपरटेंशन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। FDC लिमिटेड कंपनी की ये 14 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 14 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। एमोडेप 5 टैबलेट में एम्लोडिपिन 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एम्लोडिपिन यह ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के क्लास में आता है। यह हर्ट की मांसपेशियों के ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार लाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल छाती में दर्द, हाई बीपी बढ़ने की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, एंजाइना की समस्या, हृदय रोग की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने में डॉक्टर इस टैबलेट का यूज करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें, इस टैबलेट का डोस आपके ब्लड प्रेशर पर निर्धारित रहता है, इसलिए इस टैबलेट का डोस हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, कमजोरी, घबराहट होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। अगर आपका हर्ट से जुड़ा कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो तो इसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।